नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। अभी हम कृष्ण मेमोरियल हॉल के पास हैं, जहां मीसा भारती ने नॉमिनेशन कर यहां पे लोगों को संबोधित किया और लोग जो है काफ़ी उत्साहित है। इन्हीं से जानेंगे क्या मीसा भारती इस बार रामकृपाल यादव को टक्कर देकर अपनी जो सीट है वो ग्रहण कर पाएंगी या नहीं। इस बार का चुनाव जो है कितना आसान है? इस बार तो बहुत आसान है। अगर आसान इतना ही रहता तो पिछली बार भी हारे, लालू प्रसाद भी उसी सीट से हारे हैं, मीसा भारती भी हारी है, फिर इस बार टक्कर देने आ गई हैं। तो वो तो आपकी आशा है कि मान लो दो बार हारे, तीसरा आशा है कि निकाल लेंगे चुनाव? किस तरह से लोग उनको वोट देंगे, क्या बहुत अति है, तरह से अति है। तेजस्वी जाओ थोड़ा सा काम किए कि 17 महीना में कुछ ऐसा हो गया कि नौकरी दिए, अति दिए, तेजस्वी का फल। हाँ, तेजस्वी बहुत अच्छा मिलेगा उनको, एकदम राम कृपाल। अब हारेगा तो हारेगा उनको एकदम, वो तो सारे काम करते नहीं 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 कहाँ करते हैं वो, उनका ऐसा भी बोलते हैं कि हमको जहाँ वोट नहीं है जहाँ कोई काम नहीं है, वैसा भी बोलते हैं। भी देखिए सुन भाई, पंचायत रामकृपाल जी अपने गोद में लिए थे कि हम इसका आदर्श बनावेंगे, लेकिन वहाँ जाके आप देखिए कुछ नहीं किए हैं। इसी अनुसार किसी भी समय पर देखा जाता है कि आज तक जो काम करते हैं उनके प्रति जनता जागरूक होता है, जागरूक का फल मीठा ही होता है। लेकिन जो तेजस्वी यादव के नौकरी 17 महीने में नौकरी जो दी है, इनसे युवक की और जो जनता इसके लिए देखे हैं बहुत उत्साह है। और यह पाटलिपुत्र लोकसभा से सीट आशा 100% में 100% आशा है कि मीसा भारती जी जीतेंगे। मीसा भारती का फल, तेजस्वी यादव का जो काम है, लालू प्रसाद का जो नाम है, उसी पे उनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो उनका मीसा भारती का क्या रहेगा फिर? वो तो दूसरे के ऊपर फिर चले गए कि उनका तेजस्वी भाई का जो उनका काम रहेगा उसके ऊपर पिता, तो उनका खुद का क्या रहेगा? पहले से जागरूकता बढ़ गया है, अब मीसा भारती का आना जाना भी हम लोग से मैंने ज़्यादा संबंध हो गया है। दो बार चुनाव हारे तो उनका भी मैंने पहले से ज़्यादा मेहनत कर रही है। और रामकृपाल जी 10 साल रहे तो ऐसा नहीं कि कुछ काम किए हैं, लेकिन उनके प्रति भी बहुत सारे लोग हैं जो कि मैंने अथी हो रहे हैं, एंड्रॉयड हो रहे हैं। और इनका आना जाना बढ़ गया है, इनका मेहनत भी बढ़ गया है, जागरूकता बढ़ गया है, इसलिए इस बार ज़्यादा चांस है कि मैंने चुनाव निकल जाएगा। लोग कह रहे हैं कि नौकरी का मतलब तेजस्वी, लेकिन नौकरी का मतलब नीतीश। कुछ बताइए, नौकरी का मतलब नीतीश जी? नहीं, लालू यादव के लड़का जो तेजस्वी थे वो वादा किए थे, नीतीश कुमार इतना भी बोले थे कि 10 लाख नौकरी तेजस्वी कहाँ से देगा, वो घर से लाके देगा, मगर 17 महीना के अंदर में ही 5 लाख नौकरी दिए। और 3 लाख नौकरी जब देने वाले थे तो वही पलटू चाचा जो पलट गए, तो अभी स्थापित है वो वादा किए उनको अनुकूल ने। तेजस्वी यादव बढ़िया काम किए 17 महीना में, मैं तो बहुत 17 साल रहे थे, 17 साल ने कुछ भी काम नहीं किए, और 17 महीना में उतना काम करके तेजस्वी यादव दिखा दिए। मोदी जी आए और परिवारवाद पर फिर बरसे। मोदी जी तो क्या ला कर, वो तो अथी देखो जो शो कर रहे हैं, मोदी जी का इतना ही चाहिए कि घर घर आके अथी करे। वो तो प्रधानमंत्री उनको है दिल्ली बैठा हुआ, क्या वो इतना उनको अथी गिर गया है कि दुआरे उधर घूर रहे हैं मोदी जी से। वो डर गए, तेजस्वी डर गए, बहुत डर गए, बहुत डर गए, इतना डर गए कि रोड शो करें। देखिए प्रधानमंत्री होकर रोड शो करना उचित है? उनका कहना था कि हम रोड शो इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में पहली बार ऐसा ऐतिहासिक दिन होगा जो किसी प्रधानमंत्री का आगमन पटना में होगा, और लोग जो हमें टीवी और पेपरों में देखा करते थे आज हम उनसे आमने सामने। आने से हुआ कुछ नहीं, वो तो बहाना बना रहे हैं, उनके डर हुआ क्या जी? तेजस्वी से डर है उनको, इसलिए ऐसा कर डर रहेगा भाई। अगला देख रहे हैं कि इतना नवयुवक दल जो नया जमान अभी बेचारा अभी कितना है, अभी उनको तो सामने बच्चे के रूप में है, फिर भी वो अकेले सारे उनको खिलाफ हो करके भी रोड पे आ गए ना जी। उनको ऐसा थोड़ी होना चाहिए था कि एक लड़का जो चुनाव लड़ रहा है उसके पीछे सारा पार्टी जो हाथ धो के पड़ जाए, ऐसा थोड़ी होता है। रविशंकर प्रसाद जो पटना साहिब से लोक संसदीय उम्मीदवार हैं जी, हम तो बाकी को तो नहीं कह सकते हैं, मगर मैं अपना तेजस्वी भैया की तरफ से तो इतना बहुत कह दिया कि जो जैसा काम किए जो वादा के अनुकूल हमको बहुत प्रसन्न पड़ा, जनता को भी बहुत प्रसन्न पड़ गया। और राहुल कुमार को बोला जाता है कि वो दोनों राजकुमार हैं जी, वास्तव में राजकुमार हैं वो? तो हम क्या कह सकते हैं, राजकुमार कैसे है वो जनता के प्रति नहीं जी, है वो तो जनता के थ्रू ना है, थोड़े राजकुमार कोई कह देगा राजकुमार आ जाए, दुनिया कुछ भी ले सकता है, ऐसा थोड़ी बात है, दुनिया कुछ है।
आज जो सभा हो में उनके पूरे परिवार, राबड़ी देवी, मीसा भारती, बड़े भाई तेज प्रताप, सारे लोग वहाँ पे मौजूद हुए, लेकिन विपक्ष का कहना है कि अपने ही परिवार के जो नॉमिनेशन जब होते हैं तो सारे परिवार एक मंच पे दिखते हैं, लेकिन जो उन्हीं के पार्टी के जो लोग हैं अगर नॉमिनेशन करवाते हैं तो उसमें सारे परिवार जो जिस तरह से एक मंच पर दिखते नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं कि परिवार, इसी से पता चलता है कि परिवारवाद है। परिवारवाद कैसे है? तो साहब के देख रहे हैं परिवारवाद तो ऐसा नहीं ना है। परिवारवाद कैसे है? वो तो विपक्ष है तो कुछ भी कह सकते हैं कि परिवारवाद है या अति है। उसको बाकी उसका जवाब दीजिए कि ताकि वो उनका जो है वो सवाल का जवाब मिल जाए। परिवारवाद कैसे कहते हैं कि परिवारवाद है? कैसे खत्म होगा बताइए। देखिए परिवारवाद नहीं है, देखिए परिवारवाद पर हमला सिर्फ बीजेपी में सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी करते हैं, इसलिए वो करते हैं कि वो अपना परिवार बढ़ा नहीं पाए, और बढ़ाने के लिए हिमालय में भी किए हैं, जड़ी बूटी भी कहा है, प्रयास भी किए हैं, बाकी अब नहीं बढ़ा पाए तो परिवार पर हमला कर रहे हैं, परिवारवाद पर चिल्ला रहे हैं। अगर जो इनको परिवार एकागो को रहता तो अभी पूरा मीडिया देखाता कि परिवारवाद के फायदे मोदी जी भी बताते हैं, परिवार के बाद के फायदे, तो मोदी जी भी कोशिश किए हैं परिवार बढ़ाने के लिए, जड़ी बूटी भी खाए हिमालय में रह के, बाकी फिर भी नहीं हुआ। तो इस बार 400 पार का जो नारा है क्या सफल होगा? 400 के पार वाला मोदी जी को भी समझ में आ गया कि सब बेकार की बात है, अब वो 140 भी पार नहीं करेंगे। क्यों? जितने सब जगह से हार रहे हैं, हवा खराब हो गया, कल देखे नहीं उड़ीसा में कहते हैं कि उड़ीसा के जिला के राजधानी कहाँ है, मोदी जी कहते हैं विश्व गुरु ऐसे बोलते हैं, अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं A+B के होल स्क्वायर प्लस एस्ट्रा 2AB, ये कौन पढ़ाई मोदी जी पढ़े हैं? नाली में गैस में पाइप निकाल के ऊपर कहते हैं कि सिलेंडर जलाओ, पकौड़ा रोजगार करो, अब युवा समझ गया है, 2014 वाला 19 वाला युवा नहीं है। युवा महिला भी मोदी के साथ में है? महिला तो उनके साथ कभी रहबे नहीं की है, तो महिला क्या उनके साथ रहेगा, इनको नौटंकी करने से थोड़ी हो गए, वो जो पेड महिला थी ना वही लोग के सब रामलीला मंडली करते थे, तो रामलीला मंडली में देखते हैं महिला कलाकार रहता है ना, तो वही सब महिला कलाकार लेके आते हैं। हाजीपुर से बोले हैं कि जो 10 सालों में जो काम जो कांग्रेस सरकार ने जो जंगल राज का काम करने का काम किया था उसी 10 साल में हमने जो है वो सुशासन जो है प्रशासनिक सारे कुछ व्यवस्था जो है दुरुस्त किया। कोई जंगल उंगल राज बिहार में नहीं था, गरीब के लिए मंगल राज था, ये लोग जंगल राज का अफवाह उड़ाता था। अभी भी देखिए क्राइम का खबर छपता है तो छोटा में छपता है, अब पहले जब था तो बड़ा बड़ा हेडलाइन में छपता था, कोई जंगल नहीं राज था। अब जंगल राज का वो कविता सुन लीजिए, कविता भी हम लिखते भी हैं, कितना बढ़िया पहले जंगल राज था, सस्ता सब अनाज था, 5-6 रुपए गेहूं चावल, 8-10 रुपए प्याज था, ऊंच नीच का भेद नहीं, समरस सब आज था, कितना बढ़िया पहले लालू राबड़ी राज था। अब एक सवाल उठ रहा है कि बिहार में है जो शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है और उसका जो है अब कहीं पे भी सूचना अब नहीं मिलता शराबबंदी पूरा बंद। देखिए हम मानते हैं कि शराब खराब है, बाकी उतना भी खराब नहीं है जितना कि नीतीश कुमार बताते हैं, अगर उतना ही खराब था तो पहले नीतीश जी से पूछिए कि जब आप पहला बार मुख्यमंत्री बने तो बिहार के गली गली चौराहे चौराहे पर क्यों शराब दुकान खुलवाए थे आप, सब बिहार के आदमी को बच्चा को पियकर बना दिए, और जब पियकर बना दिए तो कहते हैं कि अब शराब छोड़ दो, शराब खराब था तो आप क्यों दुकान खोलते हैं, शराब उतना खराब नहीं है, थोड़ा बहुत अगर कोई अभी भी कहते हैं कितनों खराब है तो अभी बहुत आदमी शराब पीता है, हमको एक एक जानकारी है। अरे जो नीतीश कुमार के बॉडीगार्ड में सिपाही रहता है ना, हम उसको देखे हैं शराब पी ले वाला पर, हम देखे हैं एक नंबर पियकर से पुलिस को हम चिन्हते हैं, कहिएगा तो हम नाम बता सकते हैं, अब नाम कैसे अभी ओपन नहीं बता दें, बाकी हम कहिएगा तो मीडिया थी वाला आयकर वाला के बता सकते हैं, छापा मरता है उसको बता सकते हैं, लेकिन पीले रहता है। लेकिन पूर्ण रूप से कह रहे हैं कि शराबबंदी है, शराबबंदी तो लिखित में है बाकी अंदर अंदर सब है। हाँ क्या बोल रहे थे नीतीश कुमार? कह रहे अपने तो गांजा पीते हैं, दूसरा कहते हैं कि नशा नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, गांजा पीते हैं खुद पीते हैं गांजा,
कौन खुद पीते हैं? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार कैसे पता? हमको पता, उस समय बयान में उनका आया था, क्या कहते हैं, क्या चीज बोले थे ना, हाँ मैंने उस मैंने अथी के बारे में, लड़की के बारे में, ये शादी के बाद होता है, उस समय भी गांजा पी के बोले थे उनका, हाँ उस समय भी उनका है कि मैंने, बिहार में शराबबंदी है ना, शराबबंदी है लेकिन उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा है, हर जगह चुरा है, कहाँ नहीं चुरा है, कहाँ, क्या बात बोल रहे हैं, हम लोग तो जाते हैं पता करते हैं, पता करते हैं, चलिए हम ही आपको ले चलते हैं, कहाँ हम अगल बगल है जो कि हर जगह दारू मिलता, कैसे दारू मिलता है, अब कैसे मिलता है पता, हम तो पीवे नहीं करते थे, हमको क्या पता, कोई जगह बताइए, दारू मिलता है, दारू हर जगह मिलता है, जहाँ पे जहाँ आपको यहाँ चाहिए यहाँ मिलेगा, यहाँ चाहिए, हाँ हाँ पियकर, देखिए आप नहीं पीते हैं, हम नहीं पीते हैं, हम लोग को मालूम नहीं है, बाकी पियकर लोग के सब मालूम है, फोन करता है, पटना गए फोला नदौल जाके देखिए पूरा खुला है, जाइए जाइए 100 रुपया में एक बोतल, महागठबंधन कितनी सीटों पर, यहाँ पूर्ण सीट पर बहुमत करेगी अभी 35 प्लस जागे, हाँ हाँ हाँ, यहाँ तो पूर्ण बहुमत है बिहार में, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो है महागठबंधन NDA पर भारी पड़ेगी और इस बार जो है महागठबंधन 35 सीटों पर अपनी जीत हासिल करेगी, उससे भी अधिक हो सकती है, लेकिन आपको बता दें कि जो परिवारवाद जो माला जप रहे हैं वो परिवारवाद नहीं है, वो समाज के हित में काम करने वाला व्यक्ति हैं। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता, धन्यवाद।